हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले तो आप लोगों को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा जिन लोगों का एसएससी सीजीएल टीयर 3 क्वालिफाई हो गया और टीयर 4 के लिए जल्दी बैठने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ मैं उन लोगों को भी कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा जिनका एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 क्वालिफाई हो गया और टीयर 3 का जल्दी उनका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। अगर हम सीजीएल टीयर 4 की बात करें जिसमें आपका सीपीटी और डीईएसटी होता है, दो चीज़ें हो रहेंगी, एक कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट और दूसरा होता है आपका डेटा एंट्री स्किल टेस्ट डीईएसटी। सीपीटी में 3 मॉड्यूल होते हैं। पहला होता है वर्ड प्रोसेसिंग मॉड्यूल जिसमें आपको टाइपिंग करनी होती है, जो कि सेम होता है डीईएसटी से डेटा एंट्री स्किल टेस्ट। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली आपको 2000 की डिप्रेशन करने होते हैं। कितने मिनट में? 15 मिनट के अंदर। ठीक है, तो आपकी टाइपिंग स्पीड एवरेज में कितनी होनी चाहिए? 27 वर्ड्स पर मिनट की। इसी तरह अगर मैं सीएचएसएल की बात करूँ, टीयर 3 में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा जिसमें एलडीसी के लिए आपको 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड चाहिए होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे आप टाइपिंग पूछी जाएगी आपकी सीएचएसएल टीयर 3 में और सीजीएल टीयर 4 में। उसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था किस तरह से आप टाइपिंग सीख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो। ठीक है, सॉफ्टवेयर वगैरह सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, पूरा तरीका भी बताया था सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए। उसमें मैंने क्लेम किया था कि जो मेरी टाइपिंग स्पीड है वो 80 वर्ड्स पर मिनट है एवरेज में। ठीक है, तो काफ़ी लोगों ने वहाँ पर मुझे कहा था कि सर आप ऐसे ही बोल रहे हो, आपकी टाइपिंग स्पीड एक्चुअली में इतनी नहीं है। तो वही दिखाने के लिए कि मेरी टाइपिंग स्पीड इतनी है, मैं यहाँ पर आपको टाइपिंग करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, ऑनलाइन करूँगा और आपको साथ साथ आपका रिजल्ट भी दिखाऊंगा अपना कि मेरी टाइपिंग स्पीड कितनी जा रही है। ठीक है, एवरेज में 80 रहती है मेरी, मैक्सिमम अब तक 85 गई हुई है, कभी 78 कभी 82 ऐसे रहती है। ठीक है, एवरेज में 80 टाइपिंग स्पीड आप मेरी मान सकते हो, वही मैं आपको यहाँ पर ऑनलाइन दिखाने वाला हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर गूगल खोला हुआ है, आप देख रहे होंगे, यहाँ पर हो सकता है क्लियर ना दिख रहा हो तो बाद में जूम करके दिखा दूंगा। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 10 फास्ट फिंगर्स। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही पहले लिंक पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आप टाइपिंग टेस्ट दे सकते हो, अपनी स्पीड चेक कर सकते हो, तो मैंने कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे अलग अलग वर्ड हैं, जितने भी वर्ड हैं कोई मैच भी नहीं कर रहे, और जब भी आप अगली बार टेस्ट दोगे तो वर्ड्स अलग मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे आप टाइपिंग टेस्ट दे सकते हो, 1 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होगा। जैसे ही वर्ड आप लिखना स्टार्ट कर दोगे, ये टाइपिंग टेस्ट चालू हो जाएगा, 1 मिनट के बाद पूरा रिजल्ट आ जाएगा, एनालिसिस आ जाएगा और आपकी टाइपिंग स्पीड आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट करके आपके साथ रिजल्ट शेयर करूँगा, आप यहाँ पे देख ही रहे हो। और इस वीडियो में कोई भी एडिटिंग नहीं होगी, एडिटिंग जो वीडियो बना रहा हूँ पूरी की पूरी वीडियो ऐसे ही अपलोड कर दूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट पूरा ओवर हो चुका है। आप देखोगे मेरी टाइपिंग स्पीड कितनी आई है, 82 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड आई है, जिसमें एक्यूरेसी कितनी रही है, 96.49%। ठीक है, तो काफ़ी सही टाइपिंग स्पीड है मेरे ख्याल से। और सीजीएल में तो आपकी 27 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड चाहिए, तो 3 गुना से ज़्यादा टाइपिंग स्पीड यहाँ पे है। तो जो आपको वहाँ पे 15 मिनट में टाइप करना है वो मैं 5 मिनट में टाइप कर सकता हूँ। ठीक है, और उसके बाद करेक्शन भी कर सकता हूँ, तो उसमें टाइपिंग में कोई गलती होने के चांसेस यहाँ पे दिख नहीं रहे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी टाइपिंग स्पीड आपको दिख रही है और यहाँ पे एक्यूरेसी दिख रही है। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो सोच समझ के ही कहता हूँ, अगर होता है एक्चुअली में तभी कहता हूँ, वरना बेफजूल में नहीं कहता। लेकिन फिर भी आपने क्वेश्चन रेज करा तो मुझे बनता था कि मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊँ कि एक्चुअली में है इतनी। ठीक है दोस्तों, और जल्द ही मैं आपको एसएससी सीजीएल टीयर 4 में सीपीटी का पैटर्न क्या रहता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें की एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें सारी चीज़ें आपको बताऊँगा कि क्या क्या पैटर्न रहेगा, मॉड्यूल कौन कौन से होंगे, किस मॉड्यूल में क्या होगा, कैसे मार्किंग स्कीम रहती है, सीट वैल्यूएशन कैसे होता है, हाफ मिस्टेक क्या होती है, फुल मिस्टेक क्या होती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, फिलहाल के लिए मुझे आपको यही दिखाना था, एक बार जूम करके दोबारा आपको स्कोर दिखा देता हूँ अपना यहाँ पे। ठीक है, जिससे कि आपको कोई भी इशू ना रहे। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ये आ गया, जूम करके यहाँ पे स्कोर दिखेगा। ठीक है, 82 वर्ड पर मिनट है यहाँ पे, 96.49% है। थोड़ा और आगे ले जाता हूँ यहाँ से हटाया। ठीक है, यहाँ पे आपको मेरी टाइपिंग स्पीड दिख रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल दोस्तों मैं आपसे यही अलविदा लेना चाहूँगा, और मुझे लगता है अब आप थोड़ा सा और भरोसा मुझ पर कर सकते हो।
ठीक है, टाइपिंग स्पीड के बारे में आपको पता चल गया, जल्दी टीयर 4 के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। और दोबारा कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा जिन लोगों का एसएससी सीजीएल टीयर 2 क्वालिफाई हो गया, एसएससी सीजीएल टीयर 3 क्वालिफाई हो गया और एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 क्वालिफाई हो गया और इनका जल्द ही दूसरा एग्जाम भी होने वाला है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।